कंगना जी आपके राइट में, हाय कंगना जी, यू नो ऐसे और कौन कौन से आपके सपने हैं जिसके लिए आपको आपकी सोसाइटी से एंड आपकी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से और भी पंगा लेना है और अपने उस सपने को पूरा करना है? वेल आई थिंक जब मैं फिल्मों में आई थी तो मुझे उस टाइम पे जो फिल्म की हीरोइनों की जो कंडीशन थी वो देख के काफ़ी बुरा लगा, बिकॉज आई नेवर वुड वॉन्ट टू फील के समबडी हैज़ टू डिसाइड एंड डिक्लेयर माई डेस्टिनी. हम लोग लड़कियां जो हैं लड़कों के ही जितना संघर्ष करते हैं, लेकिन उनको वही 29-30 साल की उम्र में एक वो सस्पेंडेड लेटर दे दिया जाता है दैट यू नो दिस प्रोफेशन इज़ नॉट वेरी काइंड टू द फाइन लाइन्स इन योर फेस, यू नो इट रिंकल्स आर फ्राउंड अपॉन, ग्रे हेयर is frowned upon, your growth of your intellectual growth or your personal growth as a woman is frowned upon. To ye dekh ke mujhe kafi frightening laga ki I will also get a suspension letter at the age of 28-29. So I want to quit, but on my own I do not want anybody to decide my destiny. So I have been actively made a place in films for me where my wrinkles will not be frowned upon and I can have a dignified career even when I am, you know, I can work and not by injecting myself or pulling myself with threads, you know, I can simply work the way a man works. At the same time, I also would want to be in a profession which is not so identified with my sex as an individual, like, you know, I think an actress's job is so identified, but a director's job, a writer's job, a music director's job is not so identified. It's, you know, it could be, you could be a man, woman, young, old, doesn't matter. I like that space. I don't want to be in a place where my sex is a lot more important than my inner world or my intellect or my intelligence. Kangana ji. Kangana. Hello. कंगना जी नमस्कार. रेखा खान नवभारत टाइम्स से. हाय रेखा जी. जी सबसे पहले मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगी. बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला ट्रेलर है और फिल्म में हमने देखा कि एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात है. इन दिनों हम देख रहे हैं कि एक वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक ट्रेंड है या एक हवा है या एक कहें कि एक बहुत ही पहल चल पड़ी है. बहुत अलग अलग तरह से लोग वुमेन एम्पावरमेंट को परिभाषित करते हैं. आप खुद एक सेल्फ मेड अभिनेत्री हैं, आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन क्या है? आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन हर एक की अपनी अलग होती है. कुछ लड़कियों को लगता है, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लड़कियों के भी ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कोट्स पढ़ती हूँ, ऐसी बातें सुनती हूँ कि हम क्यों डिज़र्व करते हैं हीरोज़, यू नो दे गेट यू सो मच ओपनिंग, दे गेट यू दिस एंड दैट, तो ऑब्वियसली वो हमसे ज़्यादा पैसा डिज़र्व करते हैं. एक लड़की की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है. सो इफ़ यू डोंट फील एम्पावर्ड, नोबडी कैन मेक यू फील एम्पावर्ड. तो हमेशा हर एक की अपनी डेफिनेशन होती है. यू हैव टू फील लाइक एन इक्वल. आपको खुद लगना चाहिए कि मुझ में कोई कमी नहीं है. मुझे भी भगवान ने पेनक्रियाज, किडनीज, हार्ट, आई सब दिया हुआ है. अगर यू नो नहीं भी मुझ में फिजिकली कोई कमी भी होती तो मैं किसी तरह से मेरे सेंस में एज ए ह्यूमन बीइंग कोई कमी नहीं है. दैट शुड बी योर फीलिंग, देन ओनली यू कैन बी एम्पावर्ड. अगर आप खुद एम्पावर्ड फील नहीं करते हैं तो कोई फिल्म, कोई कोट, कोई भी आपको कोर्स एम्पावर्ड फील नहीं करा सकता है. सो आई ऑल आई वॉन्ट टू टेल द वुमेन दैट लुक इन टू द मिरर एंड क्या कमी है आप में, क्यों हम लोग एम्पावर्ड फील नहीं करते हैं. आई थिंक आधे से ज़्यादा बैटल तो वहीं लूज़ हो जाता है जब आपको लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं. तो आई जस्ट फील यू आर एज एम्पावर्ड एज यू थिंक यू आर. बहुत बहुत मुबारक. बहुत इंप्रेसिव ट्रेलर है. जब जब आप स्क्रीन पे आते हैं आपकी मासूमियत, आपका वो मिडिल क्लास जो किरदार है वो दिखता है कि हाँ एक माँ इसी तरह से बिहेव करेगी जब बच्चा स्कूल जा रहा होगा कि भैया आराम से चलाना. जैसे मेरे मित्र ने जिक्र किया पंगा, अब कोई ऐसा पंगा जीवन में जो आपको लगता है कि नहीं लेना चाहिए था या भारी पड़ा? आई थिंक मैंने जब भी जिंदगी में पंगे लिए हैं तो मेरी ग्रोथ हुई है. जब मैं बहुत छोटी थी, 15 साल की थी, तो मैंने अपने फादर से पंगा लिया था एंड दैट वाज द मोस्ट स्टूपिड थिंग टू डू एंड दैट लेड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ. मगर एसेंशियली अगर मैंने वो पंगा नहीं लिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती जहाँ हूँ. सो हर पंगा हैज़ गिवन अ न्यू लैंडमार्क इन माई लाइफ.
तो वैसे तो आई वुड नॉट एक्सचेंज वेयर आई एम टुडे फॉर एनीथिंग, कोई भी पंगा चलेगा. एक सवाल छोटा सा और था कि आजकल जो देश में माहौल चल रहा है और भारतीय नागरिकता कानून में जो संशोधन हुआ है उसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ है और बॉलीवुड के कई सितारे भी सामने आए हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है और इसे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बताया है. कंगना, आपकी क्या राय है बतौर सिटीजन और बतौर एक्टर? वेल, मेरी राय तो इतनी लंबी चौड़ी है कि यहाँ पे सुबह हो जाएगी, बट आई विल ट्राई टू से समथिंग विच इज़ नॉट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द इवेंट. आई थिंक जब भी आप किसी चीज़ का प्रदर्शन करते हैं तो सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आप वायलेंस को ना, आई थिंक हम लोगों की जो पॉपुलेशन है पूरा सिर्फ 3-4% लोग टैक्स देते हैं, बाकी उसी टैक्स के भरोसे रहते हैं. तो व्हाट गिव्स यू द राइट टू बर्न बसेज एंड ट्रेन्स एंड टू क्रिएट रकस इन द कंट्री, दैट शुड बी लुक्ड इनटू. क्योंकि एक बस 70-80-90 लाख की होती है, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है. और जो देश की हालत है, जितने लोग भूखमरी से मर रहे हैं एंड जितना लोग मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, इट्स नॉट वेरी रीजनेबल फॉर पीपल टू यू नो डू इंडल्ज इन वायलेंस. एंड व्हेन आई फील दैट डेमोक्रेसी के नाम पे वी आर स्टिल दिस माई वेरी पर्सनल ओपिनियन, वी आर स्टिल हंग ऑन टू प्री इंडिपेंडेंस एरा. जब हमारा देश परतंत्र था तो उस वक्त पे जो लोगों ने हमें कैप्चर किया हुआ था, चाहे वो आर्म्स के भरोसे या ज़बरदस्ती, तो उनके खिलाफ इस तरह की स्ट्राइक्स पे जाना, देश को बंद करा देना या टैक्स नहीं देना, ये सब बड़े कूल चीज़ें होती थी. मगर आज जो एक डेमोक्रेसी ने, कोई आपका जो लीडर आए हैं कोई इटली से या जापान से तो आए नहीं हुए हैं, आप ही के बीच के इंसान हैं जो छोटे से छोटे जगह से उठ के अपने दम पे, अभी मी बीइंग कंगना रनौत यू कैन नॉट से क्या एक फिल्म आपकी गलती से चल सकती है, दो फिल्में, मगर आप 10-15 साल सस्टेन कर रहे हो, यू हैव टू गिव मी दिस मच कि आई एम हियर ऑन माय ओन मेरिट. तो वो डेमोक्रेसी नहीं है कि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख के जो बता के जिन शर्तों पर उन्होंने सत्ता पाई है, अगर वो उसको पूरा कर रहे हैं तो क्या वो डेमोक्रेसी नहीं है? तो ये नहीं होता, यू कांट बी अ सोर लूजर. So, like I said, there is a lot to say, but it's better we don't drift into a different direction and we stay where we are. You know, ऐसे industry में तो आपने जिससे भी पंगा लिया, ऐसे दिल खोल कर पंगा लिया, so ऐसे कोई memorable पंगा जो आपको पूरी life भर याद रहेगा कि हाँ इनसे पंगा लेना काफ़ी memorable रहा मेरे लिए? memorable पंगा. मजा तो मुझे इंडस्ट्री के ही लोगों से पंगा लेके आया. वो आपको पता है वो कितने चार्मिंग हैं सबके सब, कितने कितने अच्छे से पीछे से जाके वार करते हैं, सामने तो कुछ नहीं कहते, सामने गले लगाते हैं, आपको किस करते हैं और पीछे से जाके आपके लिए प्लॉटिंग प्लानिंग करते हैं. तो आपको पता नहीं कहाँ से कब किसके जरिए पड़ेगी, तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट ऑल द टाइम. तो आई थिंक वही सबसे ज़्यादा मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है. इस फिल्म में रिचा चड्ढा भी है और आप दोनों ऐसी पर्सनालिटी हो जो इंडस्ट्री में ऑनेस्ट ओपिनियंस के लिए जाने जाते हैं, तो आप दोनों कितने बॉन्ड किए सेट पे और किस तरह से ऑनेस्ट ओपिनियंस इंडस्ट्री के बारे में आपने बताया एक दूसरे को? देखिए, हर एक इंसान सबके साथ एक तो होता नहीं है, यू नो, लाइक यू आर डिफरेंट व्हेन यू आर हैविंग अ डिनर विद योर फैमिली, विद योर मदर, विद योर सिस्टर, विद योर नेफ्यू. हर एक के लिए एक अलग, आई थिंक, इंसान को भाव प्रदर्शन करना पड़ता है. तो यस, वी हैव डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियंस, बट हम लोग जाते ही सबसे पहले ये नहीं तुम अपना ओपिनियन बताओ मैं अपना बताती हूँ, वी डोंट वर्क लाइक दैट, यू नो, इट्स ओके, शी हैज़ डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन, वी हैव सो मच मोर टू टॉक अबाउट. वी यूज टू टॉक अबाउट डायट्स, वी यूज टू टॉक अबाउट टीज, एंड वी यूज टू टॉक अबाउट, एंड वी यूज टू हैव ग्रेट टाइम नोइंग दैट द अदर पर्सन डेफिनेटली डजंट अग्री विद द सेम आइडियोलॉजीज, विच इज फाइन. आई मीन, पीपल डोंट हैव टू बी अलाइक. लाइक आई सेड, वाई वी शुड नॉट हैव अपोजिशन, वी मस्ट हैव पीपल अपोजिंग आवर बिलीव्स, आवर आइडियोलॉजीज. दैट इज द ओनली वे टू ग्रो एंड इट इज़ अ वेरी हेल्दी बैलेंस. बट द प्रॉब्लम इज ओनली वैन, लाइक आई सेड, यू नो, वैन पीपल स्टार्ट टू बी नास्टी ट्रोल और टू स्टार्ट टू बी गेट वायलेंट, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम. आपका हमेशा डायरेक्टरों के साथ है ना खट्टा मीठा रिश्ता रहा है, तो लाइक जैसे मणिकर्णिका में खट्टा रिश्ता था, अश्विनी जी से मीठा रिश्ता है, तो डायरेक्टर्स को कैसे डिफाइन करेंगे आप अपने करियर के लिए? वेल, सी, जब एक एक्टर सेट पे जाते हैं तो उनके सबसे बड़ी सपना यही होता है कि मेरे डायरेक्टर को सबसे ज़्यादा क्लैरिटी हो, एंड माय डायरेक्टर शुड शाइन द मोस्ट, एंड माय डायरेक्टर शुड डिलीवर द फिल्म ऑफ द ईयर, एंड दे शुड गेट एवरीथिंग दैट दे कैन. ये आपका सपना होता है, लेकिन अब कोई अगर फिल्म छोड़ के चले जाए
उसको अनाथ ही कर जाए, तो डेफिनेटली यू नो आई एम नॉट समबडी जो कि मैदान से पीठ दिखा के निकल जाए, यू नो ना. सो आई टेक द चार्ज, बट एट द सेम टाइम आई हैव टू से दैट विद अश्विनी मैम एंड यू नो वर्किंग विद अ वुमन डायरेक्टर, वन थिंग इज एंड विजय सर विल ऑल्सो अग्री विद मी, रुचा विल ऑल्सो अग्री विद मी, कि शी इज़ सो ऑर्गेनाइज्ड, शी इज़ सो कॉम्पिटेंट, शी इज़ सो ऑर्गेनाइज्ड. इट इज़ अ ड्रीम ऑफ एनी एक्टर, ट्रस्ट मी, नो एक्टर वुड वॉन्ट टू गो टू द सेट एंड नो दैट देयर डायरेक्टर इज लैकिंग, आई कैन अश्योर यू. सो इट इज़ अमेजिंग टू बी वर्किंग विद डायरेक्टर्स हु गिव यू द फिल्म दैट दे प्रोमिस्ड. ट्रेलर बहुत ही प्रॉमिसिंग है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. आपने एक कहावत सुना होगा कि पंगा लेना कोई खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का. तो आपने आज तक जितने भी पंगे लिए हैं वो आपके फेवर में रहे हैं, तो लोगों के गाइडलाइन के लिए एक सवाल था कि पंगे लेने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए. आई थिंक पंगे लेने से पहले सबसे बड़ी सावधानी यही बरतनी चाहिए कि आप जो भी कहें, आप चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, पर अगर आप सच कहें, क्योंकि सब बातें फिर मतलब जैसे कहते हैं रायते तो फैलने ही वाला है. सो इट्स बेटर दैट यू डू नॉट लाई अबाउट एनीथिंग, दैट इज़ द फर्स्ट एंड मैं आपको कह रही हूँ कि पीपल आर वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ हु एवर यू आर, बट वन थिंग दे डोंट एक्सेप्ट इज अ लायर, यू नो. सो आई थिंक हु एवर यू आर, आई हैव ऑलवेज बीन ओपन एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी क्लियर दैट यू नो, बट आई हैव नेवर एवर you know, said things which I don't mean. वही एक उसी को लेके चलो, उसी को पकड़ के चलो. एंड देन आई थिंक जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि सच को प्रूव होने में टाइम लगता है मगर सच को छुपाया नहीं जा सकता. मेरा एक आखिरी सवाल है, you know, हम ऐसा माने कि 2020 में ऐसे आप शादी का पंगा लेने वाली हैं? यू नो ये जब से मुझे चाहिए कि इसकी शादी हो जाए, मेरी शादी करवाने के चक्कर में है. बट ऑनेस्टली मुझे हमेशा लगा सारी मैंने ढूंढ ली है, वेन्यू तैयार कर ली है, बस लड़का ढूंढना बाकी है. हाउ मच ही एम्बैरेसेस मी, बट नो मैं एक्चुअल में मुझे हमेशा लगता था कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड समबडी इन अ मैरिज वेयर यू नो यू कैन हैव अ इक्वल कंपेनियनशिप. बट जब से मैंने अश्विनी जी की मैरिज देखी है तो मुझे बहुत उम्मीद है कि मैरिज लाइक दैट इज़ पॉसिबल. एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ नितेश सर, हाउ ही सपोर्ट्स हर एंड इनकी जो क्रिएटिव कोलेबोरेशन है एंड यू नो द वे दे आर टुगेदर एंड हाउ सपोर्टिंग ही इज़ ऑफ हर एंड हाउ यू नो लाइक बींग अ वुमन, बींग अ वर्किंग वुमन, शी इज़ नेवर लॉस्ट द फेमिनिन साइड ऑफ हर, यू नो लाइक द ब्यूटिफुल साइड ऑफ हर, बिकॉज वुमेन आर वैन यू आर लीडिंग अ क्रू ऑफ 100 पीपल कहीं ना कहीं आप यू tend to lose the beautiful gentle side of yours. Hello. Kyunki log to kitne deet hote hain, but in her case she has not, so big round of applause for her. Kangana, what qualities are you looking, will you be looking, Kangana, okay, this okay. Side towards your right, last question, what qualities are you looking into for a husband? Banta hai sawal. I think I need somebody who's more intelligent than me, who's more beautiful than me, and more talented than me. Okay, thank you, guys. Thank you. We'll take the photos now. Take a photo opportunities.